जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया में उस वक्त हड़कंप की स्थिति मच गई जब स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ जिला लेखापाल श्रद्धा ताम्रकार को लोकायुक्त की टीम ने 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वहीं लोकायुक्त डीएसपी दिलीप झारवड़े मामले में जानकारी देते हुए बताया कि ट्रेवल संचालक सुनील मिश्रा ने शिकायत की थी कि वह जिला अस्पताल में वेंडर हैं और उनकी बहुत सी गाड़ियां जिला स्वास्थ्य विभाग में संचालित हो रही हैं, जिनका करीब 13,24,000 रुपए का बिल बकाया था। इस बिल को पास करने की एवज में श्रद्धा ताम्रकार, जो कि जिला लेखा प्रबंधक स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ हैं, उनके द्वारा 1,10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। पहली किस्त के रुपए में 80,000 रुपए मंगलवार को दिए गए, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए जिला लेखा प्रबंधक श्रद्धा ताम्रकार को धर दबोचा। पूरे मामले में भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। हमारा पेमेंट निकालने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए 1,10,000 रुपये की रिश्वत मांगी हुई थी किसने मांगी थी? सिद्धा तामकार। क्या करते हैं आप, क्या काय का पेमेंट? हमारा गाड़ियों का पेमेंट है, यहाँ के हम टेंडर हमारा है, वेंडर हैं हम यहाँ के, तो एक करीब 13 लाख रुपए करीब बैलेंस है हमारा, उसके एवज में इनको 1,10,000 रुपये की डिमांड की हुई है। वो पेमेंट के लिए हम बहुत काफ़ी दिनों से परेशान करके रखा है। हमारे फरियादी हैं सुनील मिश्रा, ये जबलपुर में मिश्रा टूर एंड ट्रेवलर्स के नाम से इनकी एजेंसी है। इनके द्वारा जिला जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग में गाड़ियां किराए पे दी जाती है, रिक्विजिशन पे गाड़ियां लगती थी इनकी, उनका मंथली पेमेंट निकलता है। अभी वर्तमान में लगभग 13,24,243 रुपये का भुगतान शेष है। इसको निकालने के एवज में यहाँ पदस्थ हैं श्रीमती श्रद्धा ताम्रकार, जिला लेखा प्रबंधक हैं, इनके द्वारा 1,10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। आज हमने इन्हें 80,000 रुपये लेते हुए पकड़ा है, कार्रवाई जारी है।